Welcome to Hindustan BBC Online Digital News Channel. एसिड है आपको पता है कैसे जला? हाँ वो एसिड से जला ना, एसिड है वो, एसिड डाला आपके ऊपर? हाँ, किसी ने मतलब दीदी वगैरह किसी ने डाला पता है? बलराम ही है वो, बलराम गिरा। अच्छा, ये दीदी का इनका हस्बैंड? हाँ, इनके हस्बैंड ने मतलब एसिड डाला। हाँ, मतलब दीदी वगैरह जैसे एसिड गई ना, दीदी वगैरह के ऊपर जैसे एसिड गई बोले गरम गरम लग रहा, बोले गरम पानी डाला, और जैसे मेरे हाथ पे लगा तो मेरे को लगा कि एसिड ही है, इसमें हाथ जल रहा है, तभी मैंने बोला कि एसिड है। तब दीदी गई, जहाँ बाल्टी में पानी था तो पानी से पानी डाला फिर चेहरे पर। क्या नाम है इनका? रोशनी गवारी। रोशनी गवारी। आपका नाम क्या? दुर्गा। पूरा नाम बताओ। दुर्गा ढोबारे। अंकित ढोबारे। पिता? मुन्ना ढोबारे। अच्छा, ठीक। दो मतलब एक साल पहले तलाक हो चुका था, होने के बाद में धमकी, फोन लाके धमकी वगैरह दिया करता था कि मार दूंगा, काट दूंगा, और मेरे पास मेरे नंबर पे मतलब फेसबुक पे फोटो वगैरह सब कुछ सेंड करता था। वो लोग गाड़ी से रात में एक दस एक आपके मोबाइल पे करते थे कि इनके? मेरे मोबाइल पे। अच्छा, दीदी के पास मोबाइल नहीं था तो मेरे मोबाइल पे फोटो वगैरह सेंड करते थे। और दो लोग आए गाड़ी से लगभग एक दस एक बजे से एक पंद्रह के बीच में, एक पंद्रह के बीच में आए। उन मतलब पहले से आके था, उन्हें ताका जाके कि सबको सोने दिया, सबका मन मतलब सबको सोने देने के बाद में दीदी को देखा और इसी एक बॉटल में आई थी, बिस्लेरी वाली बॉटल में। बॉटल आने के बाद में थोड़ी ढक्कन जहाँ पे रहता था उसका उसके नीचे हेड में फूटा हुआ था, और मतलब छिड़कना चाहिए पूरी तरीके से, उसी से छींचा और भाग गया। मतलब तो उसमें नहीं, आपकी दीदी ये जल गई उसमें है ना पूरे। हाँ। और आपके मम्मी का ही हाथ? मम्मी का भी हाथ गया है ना, मतलब आपकी मम्मी और दीदी दोनों जख्मी शिकार है ना। मैं ऐसे मुंह करके सोई थी, मम्मी और दीदी दोनों सोए थे, ऐसे मुंह करके सोई थी, तो वो उसने मुंह खोल के सोए थे तो एकदम से मुंह पे डाल दिया। मैं आया था, मतलब मैं मोबाइल उतने बजे आया हम लोग वहाँ माता के पास से जैसे वगैरह आके, उसके बाद में आने के बाद में मेरे को नींद नहीं लगी थी। मैं वैसी कथरी मतलब कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था, और जैसी मतलब एसिड डाली, सब लोग चिल्लाने मतलब एसिड डालने के बाद में थोड़ा सा मतलब दी चिल्लाई, जब तक मैंने जैसे देखा तो और मेरे छोटे भाई ने देखा कि इनके हस्बैंड ही है? नहीं, मतलब काले कपड़े में दिखा और एक बैग दिखा पीछे हेड में टंगा हुआ था, और मतलब मूवी बैग था। उसके बाद में हम लोग तुरंत मोटरसाइकिल चालू करके आगे बढ़े, मतलब उन्हीं के गाँव के साइड में आए, तो वहाँ पे बीच में जो एक पांठला पड़ता है वहां पे उनसे पूछा, बोले हाँ बहुत बहुत तेज गई है, बोले गाड़ी, दो लोग थे बोले काले कपड़े थे। पहले से मतलब फोन वगैरह लगाया था और फोटो वगैरह सेंड किए और फोटो डाल फोटो डालते रहते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रोशनी डवारे। रोशनी बताओ क्या घटना हुई थी पूरी? रात को हम सो रहे थे 12 बजे, वो 1 बजे आया और एसिड डाल दिया, भाग गया। कौन था वो? मेरा हस्बैंड। तो क्या कुछ विवाद चल रहा है तुम्हारा उससे? हमारा तलाक हो गया, 1 साल हो गए। हाँ। उसने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद में वो परेशान करने लगा। क्यों परेशान करता है? पता नहीं अब क्यों। क्या बोलता? बोल रहा था तेरा मर्डर कर दूंगा, बोले तुमको उठा के ले जाऊंगा, बोले। क्या नाम है उसका? बलराम गिरारे। क्या किस कारण को लेके तलाक हुआ था तुम्हारा? वो शराब पीता था, लड़ाई झगड़े करता था, तो तलाक ले लिया मैंने। अम्मा क्या नाम है आपका? दुर्गा। दुर्गा भाई बताओ क्या घटना हुई थी रात को? रात को हुई वो, हम देवी से आए तो 12-1 बजे तक 1 बजे सोए, और 10-15 मिनट के बाद में वो कहाँ था न कहाँ नहीं, तो आए उन बस एकदम से भकने फेंक दे चले गए। कौन है वो? छ जवई बलराम गिरहरे।
कब हुई थी इनकी शादी? 3 साल पहले। क्यों फिर विवाद क्यों हुआ दोनों के बीच में? दोनों के बीच में वो काम नहीं कर रहे थे, बर्तन भांडा बेच डाले, खा गए उसने, तब फिर पैसा अदले मांगने लग गए, दारू पी रहे थे, तलाक ले लिए। तो फिर तलाक ले लिए। फिर क्यों परेशान कर रहा हूँ? फिर उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद में उसको उसकी माँ के यहाँ पहुँचा दी, इसको ले जाने को सोच रहे थे तो फोन कर रहे थे घड़ी घड़ी थे, हमने वो सिम निकाल दी। उसको भी छोड़ दिया उसने पहली पत्नी को? हाँ, पत्नी को। हाँ वो उसको भी छोड़ दिया, छोड़ दिया को पहुँचा दिया, पर उसकी माँ के यहाँ है बोल रहे। और अब इससे क्या बोलता है वो? इसको ले जाऊँगा बोल रहा था। हाँ तो हमने कहा तलाक हो गई, तलाक हो गई, उसके बाद में नहीं भेजते। कोर्ट से लिए? कोर्ट से लिए। ऐसे हमने बात करी उससे और फिर हमने वो सिम विम निकाल के फेंक दी, फिर हमारे पास नहीं लगाया। आपके भी हाथ वगैरह चले? हाँ इतने जल गए। रिपोर्ट करी आपने थाने में? गए होंगे ना अभी उसका पापा भी गए होंगे। भैया बताएंगे कि एक युवती आई है और उसकी माँ आई है एसिड से जल के यहाँ पर, क्या मामला है और क्या कार्रवाई है अभी प्राथमिक तौर? ये बोरदे के पास बिस्खान गाँव है, वहाँ से रोशनी पति बलराम और उसकी माँ दुर्गा पति मुन्ना ये जल के एसिड से जल के आए हैं। और वो लड़की ने और उसकी माँ ने बताया है कि उसके जो पति है, लड़की का तलाक हो गया 1 साल पहले और 2017 में शादी हुई थी, तो उसके पति ने रात में 1 बजे आके उसके ऊपर एसिड डाल दिया जिससे जली है। क्या कार्रवाई अभी प्राथमिक तौर पे की है? उसके मरणासन कथन करा के बोरदेई अपराध कायम करके बोरदेई भेज रहे हैं अग्रिम जाँच के लिए, और बोरदेई थाना साहब TI साहब हम मौके पर पहुँच गए।